फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूं, आप अपना बताओ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही सूदिंग और रिफ्रेशिंग छाछ, जिसके लिए चाहिए मुझे ये दही, अदरक, कड़ी पत्ता, सरसों और नमक। पूरे दही को इसमें डाल दिया है, ये कम से कम 250 ग्राम्स ऑफ दही है और अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसे अब ब्लेंड करते हुए इसमें डाला मैंने अपने स्वाद के अकॉर्डिंगली नमक। अब ये ब्लेंड किए हुए या फिर फेंटे हुए दही को मैं बड़े कंटेनर में डालूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं फ्रिज से एक बॉटल चिल्ड पानी और इसके बाद फिर इसे अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये हम जो छाछ है इसे जितनी पतली पियो वो उतना ही फ़ायदेमंद होती है। अब ये ब्लेंड किए हुए या फिर फेंटे हुए दही को मैं बड़े कंटेनर में डालूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं फ्रिज से एक बॉटल चिल्ड पानी और इसके बाद फिर इसे अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये हम जो छाछ है इसे जितनी पतली पियो वो उतना ही फ़ायदेमंद होती है। इसका तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले डालूंगी सरसों, फिर अदरक, और लास्ट में ये कड़ी पत्ता। और इसे एक घंटे तक फ्रिज में रखूंगी, फिर ये जब ठंडी हो जाएगी तो इसे छान के हम पिएंगे। एक घंटा फ्रिज में रखने के बाद छाछ को मैंने छान लिया और अब सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और अब ये रिफ्रेशिंग, सूदिंग और कूल छाछ पीने के लिए बिल्कुल रेडी है।